मैं बहुत दिन बाद आपसे ऐसे फेस टू फेस वीडियो में बात कर रही हूँ। थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेते हैं हम, अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, कमेंट बॉक्स में भी आए, मेरे रियल लाइफ में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, सबने पूछा कि मैंने आप सबको बताया था मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। बहुत अच्छी हवा चल रही है पीछे। तो मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, मैं कभी मैंने आपको बताया भी था मैं कैमरा वगैरह फ़ोन इतना यूज़ भी नहीं करती थी मैं। तो मैं अचानक से यूट्यूब में कैसे इंटरेस्टेड हो गई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे पास में। बहुत सारे जन मेरे फ्रेंड ग्रुप में, मेरे सिस्टर्स ने, सब ने बोला भी कि आप बताओ हमें आप किससे इंस्पायर हुए हो, किस लिए आप यूट्यूब में आए हो। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने मन की बात आप सबके साथ शेयर ही कर देती हूँ। एक्चुअली मैं, मुझे यूट्यूब में घुसे हुए एक साल पूरा होने वाला है अभी, आज 1 जुलाई है, माने 3 अगस्त को मुझे प्रॉपर एक साल कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब में आए हुए। और आप सबके प्यार से और प्रे से, मेरे रिलेटिव्स के प्यार से मुझे मेरा चैनल का मोनेटाइज भी हो गया है और मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। आप सब प्लीज़ इसी तरीके से आगे मुझे प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। मेरी यूट्यूब की फैमिली जो अभी हजारों की है वो लाखों में, मिलियंस में चली जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि मैं किन यूट्यूबर्स को देख के मैंने अपना चैनल बनाया, किन यूट्यूबर्स से मैं इंस्पायर हुई जो मुझे इतने अच्छे लगने लग गए बोलो कि मैं भी उनके, बिलीव भी नहीं करोगे कि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यूट्यूब का आप कह सकते हो ABCD या कखगड़ भी होता है ना, यूट्यूब चीज क्या है मुझे वो भी नहीं पता था। मैं मेरे लड्डू गोपाल की कसम खा के बोलती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यूट्यूब होता क्या है। अगर मुझे पता होता ना फ्रेंड्स, मैं बहुत पहले अपना चैनल बना चुकी होती, मुझे यूट्यूब इतना अच्छा लगा। तो ये बात स्टार्ट होती है, मैं मेरे पापा के घर में गई हुई थी, तो मेरा भाई जो है हितेश, मैंने आपको बताया मेरा भाई है, तो वो ना बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स लोग की, जैसे टेक्निकल गुरु जी है, फ्लाइंग जेट की बेट है उनकी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स की ना ब्लॉगिंग वीडियो ये सब देखता रहता। तो मैंने पूछा कि ये हेमंत आप ये क्या देख रहे हो, ये किसकी वीडियो, रहते कैसे वीडियो फ़ोन में आने लग गई। तब उसने मुझे सारा प्रोसेस बताया कि इस टाइप का फ़ोन के अंदर भी एक ऐप होता है यूट्यूब का, यूट्यूब एक चैनल ही आप समझ लो, उस पर आप कोई भी अपनी वीडियो, किस टाइप की भी वीडियो बना के आप अपलोड कर सकते हो, इन फ्यूचर उससे आपको डॉलर मिलते हैं। तो मैंने बोला किसी भी टाइप की वीडियो बना सकते हो, बोला हाँ दीदी कोई भी वीडियो आप बना सकते हो, पर वीडियो अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक को पसंद आनी चाहिए। तो मैंने देखा वो लोग जेंट्स थे, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। फिर मैंने सर्च करते गई तो मेरे सामने एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी यूट्यूबर का फेस सामने आया। उनका फेस देख के मेरा मन किया कि मैं इनके चैनल में घुसूं। वो यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, आप सब भी उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। आज वो मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर है मेरी, वो है इंडियन ब्लॉगर शोमाली दी। मैं उनको दी बोलती हूँ, एज ए रिस्पेक्ट करके दी बोल रही हूँ, या मैम बोल सकती हूँ मैं उनको, वो मेरे से सीनियर है। वो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, जितना सबको शाहरुख खान अच्छा लगता है या सलमान खान अच्छा लगता है, मुझे वो उतनी अच्छी लगती है पर्सनली। ये ब्लॉग भी स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ। मैंने, आप बोलोगे कि उनका नाम यूज़ कर रही है, उनका नाम यूज़ नहीं कर रही मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे उनसे बहुत इंस्पायरेशन मिला, मैं उनसे बहुत प्रेरित हुई। मुझे, मैंने उनकी बहुत पुरानी ओल्ड वीडियोस थी जो वो एक अपनी सैलरी को लेके भी उन्होंने डिस्कस किया था कि उन्होंने 9 मंथ काम किया, कि 1 ईयर शायद काम किया, उनको 800 रुपया फर्स्ट सैलरी मिली। मैं बहुत उनकी अभी भी, मैं ओल्ड वीडियो जाके उनके सर्च करके देखती हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने शोमाली दीदी का ब्लॉग देखना स्टार्ट किया। तो देखती गई इंटरेस्ट आता गया, बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। फिर ना मेरे को एक चस्का सा हो गया, मेरे पास उस समय इतना अच्छा फ़ोन नहीं था, छोटा सा फ़ोन था स्क्रीन टच ही, माने चल जाता था, पर इतना नेट वेट का शौक नहीं था, डुकू भी छोटा था, मन नहीं, माने इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेरे मन में इंटरेस्ट आने लगा कि मैं विजय को बोलने लगी, विजय मेरे को ब्लॉग देखना, फ़ोन दे दो। जैसे ही विजय ऑफिस से घुसते घर में, मैं सबसे पहले उनका फ़ोन लेती और शोमाली दीदी का वीडियोस देखना स्टार्ट कर देती। ऐसे करते करते बहुत इंटरेस्ट हुआ, 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया। फिर अचानक से मेरे पास और 2 यूट्यूबर्स के चेहरे सामने आए, ब्लॉग विद दिव्या, DIY दिव्या, वो दिल्ली से बिलोंग करती है, उनको भी आप सब जानते होंगे, वो भी बहुत अच्छी बड़ी यूट्यूबर है। उनके भी व्लॉग्स मैंने देखे, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। पर ना इन सबके व्लॉग भी मैं देखती थी, मुझे बहुत अच्छे भी लगते थे, मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी वीडियोस बनाऊं, बट मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। हिम्मत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि शोमाली दीदी का स्टैंडर्ड है यहाँ,
एकदम यहाँ पे है। मैंने उनकी फर्स्ट से फर्स्ट भी वीडियोस देखी है, तो भी हम लोग की लाइफ से वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लाइफ चीज़ है, बहुत अच्छा घर का उनका बैकग्राउंड रहता है और रहता है, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ पाई। मैंने बोले तो इतनी अच्छी अच्छी मैंने सब चीज़ कुकरी सेट वगैरह सब इतना अच्छा अच्छा दिखाती है, इतना अच्छा घर डेकोरेट करके रखा है इन्होंने, मेरा तो छोटा सा घर है उसमें मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो मैं कैसे क्या वीडियो बनाऊंगी। फिर उसमें भी मेरे जो दो तीन रिलेटिव है बहुत खास है मेरे, बहुत अपने हैं, उनको जब मैंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में, मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ, तो बोलते हैं क्या दिखाएगी तू, ये दो रूम का तेरा छोटा सा घर दिखाएगी, क्या दिखाएगी, ऐसे झाड़ू मार रही है, ऐसे पूछा मार रही है, ऐसे कर रही है। मेरे को इतनी शर्म सी आई, मैं लज्जा, तब मैंने फिर वीडियो बनाने का सपना छोड़ ही दिया कि नहीं मेरा होगा ही नहीं, उसके लिए तो बड़ा घर चाहिए, अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए। मेरे दिमाग में ये बात आ गई। फिर मैं एक दो महीने के लिए शांत होकर चुपचाप बैठ गई, मैंने मन में सोचती थी जबकि वीडियोस देखती थी, बट मेरी हिम्मत जो बोलते हैं ना कि वीडियोस बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आप सोचते हो कैमरे के सामने मैंने आई टू आई कॉन्टेक्ट करके बात करना मेरे लिए या बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता, और खास करके वो इंसान जो एकदम शुरू से साए में रहा है, जो कभी फ़ोन भी नहीं चलाता था, वो कभी पिक्चर्स भी नहीं लेता था, कुछ भी नहीं करता था, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो फिर जब मैंने ऐसे ही देखते देखते एक दिन मेरे सामने आया नाजिया दी का ब्लॉग, वो बॉम्बे से बिलोंग करती है और बहुत छोटी सी सिंपल सी है वो, बहुत बहुत सुंदर भी मैं उनको नहीं बोल सकती, लेकिन वो चॉल में रह के वीडियोस बनाती है। और जब मैंने उनको देखा था उनके उस समय 25,000-23,000 सब्सक्राइबर थे। एक्चुअली में अगर मैं किसी को बोलूँ ना, मुझे हिम्मत आई कि हाँ मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, तो वो मुझे नाजिया दी के ब्लॉग देख के वीडियो आई, माने हिम्मत आई मुझे, सॉरी कि हाँ जब वो बना सकती है, वो इतना है, उनका छोटा सा एक रूम का घर है, वो साइड में छोटा सा किचन है, उनकी एक छोटी सी बेटी है, वो जब कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे उतना हाई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि विजय ऐसी ऐसी बात है, मुझे इंटरेस्ट है, पैसे का मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे हस्बैंड MBA किए हुए हैं, अच्छी खासी हस्बैंड की मेरी सैलरी है, मुझे कोई पैसों का कोई लालच नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप काम करते हो कोई चीज़ का, अगर आप जॉब भी करते हो तो आप पैसों के लिए ही जॉब करते हो, ये बात तो सच है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको पैसा नहीं चाहिए होगा, मैं ये बात नहीं बोलूँगी पैसा नहीं चाहिए, भगवान जी अगर देंगे तो मैं ज़रूर लूँगी, अभी तक तो नहीं है, बट हाँ अगर देंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। तो उस समय बोला तो इन्होंने बोला ठीक है तेरा मन है तो कर ले अपने मन की। फिर मैंने मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी ऐसे ऐसे सब देखो वीडियोस बनती है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बनाने में, क्योंकि देखिए मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, आज मैं अपना चैनल बना लूँ वीडियोस भी हो जाए, कल मेरे फैमिली मेम्बर्स देखें, फिर कोई आर्ग्यूमेंट करे, फिर मुझे चैनल बंद करना पड़े, तो वो मुझे ज़्यादा दुख होगा, इससे अच्छा मैं पहले ही सबसे पूछ लूँ। तो फिर मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था मेरा इंट्रोड्यूस का, उस समय मुझे बहुत तेज फीवर भी था, 3 अगस्त को मेरा वीडियो फर्स्ट पब्लिश हुआ था, उसके 2-3 दिन पहले मेरे को बहुत फीवर था, फिर फीवर जैसे ही उतरा मैंने मेरा वो फर्स्ट वीडियो बनाया, वीडियो बना के मैंने पब्लिश किया, उसमें व्यूज़ भी आ गए, अभी माने 1,000-1,200 व्यूज़ भी हैं कि 1,400 व्यूज़ भी हो गए हैं। फिर धीरे 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 करके मेरे 1 सब्सक्राइबर हुए, 2 हुए, 3 हुए, 10 हुए, 20 हुए, करते करते 1,000 हुए, 1,000 से आप 2,000 हुए हैं, लेकिन हुए हैं। और अभी देखो 2,000 से भी कुछ नहीं होता, ये 2,000 के 1,00,000 तक जाएंगे तब कुछ बात होती है, तब सिल्वर प्ले बटन हम सबको मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मेरी यूट्यूब की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है, आप सबका अगर साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो मैं आगे तक भगवान के आशीर्वाद से जाऊंगी, मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है। एक होता है ना सपोर्ट की होता है, मैंने फिर जब सोमाली दीदी की वीडियो देखी, सोमाली दीदी ने भी बोला यूट्यूब में जो आता है उसको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सोचते हो कि मैं आज यूट्यूब पे अपना चैनल बनाई हूँ, 1 महीने में मेरे अगर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं या मेरा मोनो हो जाता है, 2 महीने में मुझे सैलरी आती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में डूब रहे हो तो आप भूल जाओ यूट्यूब को, क्योंकि यूट्यूब के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। यूट्यूब में वो ही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जो एकदम शांत होकर सिर्फ वीडियोस बनाए, माने एक अपना पेशेंस जोड़ लो, अपनी एक हॉबी बना लो कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है। जब तक आप में वो जुनून नहीं आएगा ना कि मुझे वीडियो बनानी है तो वो होगा। मेरे साथ एक गलती हो गई है कि मेरे काफ़ी जन बोल रहे हैं मुझे कि मेरा चैनल एक खिचड़ी बन चुका है, मैं ब्लॉग भी घुसा दी उससे, मैं कुकिंग भी घुसा दी उसमें, मैं DIY भी घुसा दी हूँ, मैं भजन भी घुसा दी हूँ, एक खिचड़ी टाइप का बन गया है।
तो ठीक है अगर गलती होती है, इंसान गलती करके ही कुछ सीखता है। तो मैंने कहा ठीक है अगर ऐसा लग रहा है, बहुत जन ने बोला मुझे कि आपकी वीडियोस में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है हो सकता है ऐसा हो रहा है। तो फिर अभी रिसेंटली मुझे दो तीन जन के कमेंट भी आए, मेरे दो तीन जन बहुत खास मेरे फ्रेंड है, मेरे सिस्टर्स हैं, वो मुझे बोले कि देखा इतनी सब चीज़ में मेरे 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी है, अच्छे खासे व्यूज भी आए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सबसे अच्छे व्यूज़ हैं आपके व्लॉगिंग के ऊपर, तो आप व्लॉग बनाना स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं अब से आपको मेरे चैनल पे कंटिन्यू व्लॉग ही व्लॉग मिलेंगे। मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है, पहले जब मैं वीडियोस बनाती थी मुझे बहुत कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था समझ लीजिए, उस समय जस्ट मैं सीख रही थी। अब मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मेरी एक साल की जर्नी में, तो अब मैं आपसे प्रॉमिस करूँगी कि मैं अच्छी वीडियोस बनाऊँगी, अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँगी, अपने रेगुलर व्लॉग को अच्छा सजाने की कोशिश करूँगी। और आई होप आप सबको मेरी वीडियोस भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ जैसे आप सब ने बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया है, शुमाली दी को, दिव्या दी को, नाजिया दी को, और भी बहुत सारे हैं, रश्मि शर्मा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो प्लीज़ मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एक बार आप विश्वास तो करके देखिए, आप सपोर्ट करोगे मेरे, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये एकदम फ्री होता है फ्रेंड्स, आपको एक रुपया भी नहीं लगता है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि रेखा आप इस टाइप की वीडियोस बना लो आगे, जो आपको पसंद आएगा ना गाइस मैं वैसी ही वीडियोस बनाऊंगी। और भी मुझे काफ़ी टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, मेरा अभी मुझे रिसेंट टॉपिक एक मिला है, माने एक जन दो जन का ने बोला है मुझे कि मॉर्निंग 5 AM से जैसे मैं उठ जाती हूँ जल्दी, विजय भी जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, दुखों के ऊपर वीडियो बनाओ, घर के काम के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, जल्दी जल्दी करके बनाऊंगी, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मेरे चैनल में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आप सबके लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशखबरी है, हो सकता है आप सबके लिए भी हो, तो वो खुशखबरी आपको मिलेगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम 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 फ्री होता है, और साइड के बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा जैसे आपने सबको सपोर्ट किया है। तो चलिए मिलते हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।